बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस, सोशल इन्फ्लुएंसर्स आजकल यही बोलते हैं कि घी खाना चाहिए, घी की बहुत ज्यादा रेटिंग करते हैं। क्या वाकई हमें घी खाना चाहिए? ऑब्वियसली घी खा सकते हैं, घी हो गया, जैसे और फैट्स हो गए, रिफाइंड ऑयल, सरसों ऑयल, बटर और कनोला ऑयल, या किस तरह के भी ऑयल है, इन सब में जो रेशो होती है फैटी एसिड्स होते हैं, और हम न्यूट्रिशनिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये कौन से रैंक में घी आ रहा है, कौन से रैंक में कौन सा ऑयल आ रहा है, और हमें किस तरह से इसको लेना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो घी है इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड तो होते हैं, बट सेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है इसमें। अगर जो लोग वेट लॉस करें, जो कार्डिक पेशेंट हैं, जिनको पहले ही हेल्थ इश्यूज जैसे कि लिवर डिजीज है, या कोई और इस तरह की डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक है, उनको घी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम सेचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इवन नॉर्मल इंसान भी घी फैट सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा ले तो उनकी ओबेसिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो दिन में हमें 4 से 5 चम्मच अलाउड है फैट, तो उसमें हम 1 चम्मच ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। बट वो लोग अवॉइड करें जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है, किसी भी कमर्शियल एड में बिल्कुल ना आए। थैंक यू।